हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट आवर चैप्टर वी टेक अ प्लेज। आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। टू ऑलवेज वियर अ मास्क, फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेस। To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. आज हम हमारी हिंदी ग्रामर की 10th चैप्टर करेंगे, वचन। नंबर शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए है या एक से अधिक के लिए है, उसे वचन कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिससे ये पता चले कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है, नंबर कहलाता है। जैसे कि केला केले, तोता तोते, तितली तितलियाँ, लड़की लड़कियाँ। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में क्या है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला तोता तितली लड़की गमला। एक वस्तु, एक ही पदार्थ या फिर एक ही व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं, एक वचन। और बहुवचन में क्या है, जिस शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं पदार्थों और व्यक्तियों का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुवचन। जैसे कि केले तोते तितलियाँ लड़कियाँ गमले। अब वाक्य की पहचान, वाक्यों में सम्मिलित संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से वचन की पहचान की जा सकती है। वाक्यों में सम्मिलित संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द, उनसे भी वचन की पहचान होती है। जैसे कि अब लड़का पढ़ रहा है, लड़का अब संज्ञा भी है और एक वचन है। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के संज्ञा भी है और पर बहुवचन है, बहुत से लड़के हैं, एक से ज़्यादा हैं। उसके बाद सुमन ने कमीज़ खरीदी, कमीज़ अब संज्ञा है, एक वचन है। कमीज़ें, कमीज़ें भी संज्ञा है और बहुवचन है। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं सर्वनाम एक वचन, हम सर्वनाम बहुवचन। इसी तरह से इन सारे वाक्यों में क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसके साथ एक वचन और बहुवचन का भी हमें जो है पता चलता है। उसके बाद क्रिया से भी वचन की पहचान होती है, एक तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, उसके बाद क्रिया से भी। जैसे कि शेर सो रहा है, अब क्रिया कर रहा है वो सोने की, सो रहा है, ये क्रिया है और इसे हमें पता चल रहा है कि एक वचन है, सो रहा है। सो रहे हैं, ये भी क्रिया है पर बहुवचन है, रहे हैं। हाथी चलता है, चलते हैं। उड़ता है कबूतर, कबूतर उड़ते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे दूध पानी सोना जनता घी सत्य बालू झूठ आकाश आदि। अब जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही, जैसे कि अब दूध है, दूध की मात्रा चाहे जितनी भी ज़्यादा हो पर वो कह उसका जो उसे जब बोला जाता है तो वो एक वचन ही लगता है। जैसे कि दूध पानी, पानी पिया, हम ये तो नहीं बोलते कि दूध पिया है, पिए हैं दूध पिया है। इसमें क्या होता है, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में ही होते हैं, जैसे कि पानी घी बालू खूब वर्षा हुई। अब वर्षा की मात्रा जितनी मर्जी हो पर हुई, वो एक वचन में ही कहलाती है, आकाश जनता। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि प्राण आंसू दर्शन हस्ताक्षर बाल हमें होश समाचार आदि। अब आदर अथवा सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब यहाँ रिस्पेक्ट की बात आती है तो वहाँ जो है बहुवचन का, जैसे कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। अब यहाँ पर भगत सिंह एक ही पर्सन की बात हो रही है, वो एक वचन है, बट फिर भी यहाँ रिस्पेक्ट देने के लिए जो है हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, थे। मेरे पिताजी लेखक हैं, ना कि मेरा पिताजी लेखक है। गुरुजी विश्राम कर रहे हैं, ना कि कर रहा है। रिस्पेक्ट देने के लिए एक वचन होने के बावजूद भी क्या बन जाता है, वो बहुवचन। उसके बाद कुछ लोग अभिमान प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन करते हैं। जैसे कि मालिक ने अपने नौकर से कहा, हम घूमने जा रहे हैं, हमारे पास आने तक, हमारे वापस आने तक नाश्ता तैयार कर देना। यहाँ हम
और हमारे शब्द दोनों मैं और मेरे एकवचन शब्दों के स्थान पर अभिमान प्रकट करने के लिए आए हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ जो है वचन परिवर्तन संबंधी नियम बताए गए हैं कि अंत में आए आ को ए करके, जैसे गधा गधे, आ से ए बन जाता है, मुर्गा मुर्गे, प्याला प्याले। ठीक है, अ को भी ए कर देते हैं, फसल फसलें, दाल दालें, आ को ए करके बाला बालाएं, घटना घटनाएं, महिला महिलाएं, सेना सेनाएं, ई बड़ी ई को ई में बदल कर या फिर यहाँ जोड़कर, रोटी रोटियाँ, यहाँ बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया गया और पीछे यहाँ लग गया, नदी बड़ी छोटी ई में बदली और पीछे क्या लग गया, यहाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए आ या को यहाँ करके, बुढ़िया, एक बुढ़िया है, बुढ़ियाँ बहुत सी, एक से ज़्यादा, कुटिया कुटियाँ। उसी तरह से अंत में गण जन वृंद लगाकर, गुरु, एक गुरु हैं, गुरुजन, एक से ज़्यादा के लिए, नेता, एक नेता है, एक से ज़्यादा के लिए नेतागण। इसी तरह से शिक्षक वृंद, कविगण, लेखक वृंद, गण जन वृंद लगाकर। ठीक है, उसके बाद है ई, बड़ी ई को ई के आगे यहाँ करके, गति, अब यहाँ बड़ी ई है उसको छोटी ई कर दिया पहले की तरह और पीछे यहाँ कर दिया, शक्ति शक्तियाँ, लड़ाई लड़ाइयाँ, जाति जातियाँ। अब मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, देखिए, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो, यानी कि एक है उसकी मात्रा या ज़्यादा है एक से, तो उसे क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन में तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सदा ही ज़्यादा होने के बावजूद भी एक वचन में प्रयोग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ एक्सरसाइज है, वचन क्या होते हैं, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द। किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जनता। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, दर्शन। गुरु का बहुवचन है, गुरुजन। शुद्ध बहुवचन रूप है, दवाइयाँ। सेकेंड इज करेक्ट। उसके बाद आपके यहाँ वाक्यों में आए बहुवचन शब्दों को सामने लिखिए। बंदरों ने परेशान कर रखा है, यहाँ पर बंदरों बहुवचन शब्द है। चाचा जी खिलौने लाए, खिलौने ज़्यादा हैं। वह भैंसे चरा रहा है, भैंसे। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं, पतंगे। उसने जूते उधर रखे हैं। ठीक है, ये जो शब्द हैं इसमें हैं बहुवचन। उसके बाद इसके बहुवचन रूप लिखने हैं, चूहिया चूहियाँ, कवि कविगण, बेटी बेटियाँ, गायें गायें, पुस्तक पुस्तकें, छत छतें, पंखा पंखे। और इनके एकवचन रूप लिखने हैं, भक्तजन भक्, बधाइयाँ बधाई, भाभियाँ भाभी, रातें रात, चिड़ियाँ चिड़िया, सीढ़ियाँ सीढ़ी। अब उसके बाद है खाली स्थानों पर सही शब्द चुनकर लिखने हैं, राजू ने नई डैश खरीदी, पुस्तकें। ईला शर्मा का बस्ता सुंदर है, कुछ कन्याएं जा रही हैं, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, पेड़ के नीचे कई भैंसें बैठी हैं। फिर आपके इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, वचन किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है, वचन से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, वचन। जैसे कि तोता एक है, तोते ज़्यादा हैं, लड़की लड़कियाँ। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, वचन के भेदों के नाम 100 उदाहरण समझाइए। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि केला तोता तितली लड़की आदियाँ आदि। और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं पदार्थों और व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि केले तोते तितलियाँ लड़कियाँ आदि। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।